सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप कि आप लोगों ने कर दिया होगा, बिकॉज आप लोग बहुत अच्छे हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जंगकुक, जंगकुक, उठो, क्या हो गया तुम्हें? प्लीज प्लीज जंगकुक, आंखें खोलो। तुम इसको तभी जिंदा कर सकती हो जब तुम अपनी सारी ताकत जंगकुक को दोगी, तभी। और हाँ, इसके करने पर तुम मर जाओगे। मेरी किस्मत के हर एक पन्ने पे मेरे जीते जी बाद मरने के मेरे हर एक कल हर एक लम्हे में तू लिख दे मेरा उसे मेरे जीने की वजह दर्द है ये सारी उम्र का ओ जाना। क्योंकि उसमें एक बार ट्रू लव किस किया जाता है। अगर तुम दोनों सच में एक दूसरे से ट्रू लव करते होगे तो ते उड़ जाएगी, वरना वो हमेशा के लिए उसी दुनिया में चली जाएगी जहाँ उसे जाना चाहिए। समझाना अपना है या है गैर वो इश्क में अधूरा सा रूह में है पूरा सा दर्द है ये सारी उम्र का हो जा।
कैसी ये आटें सुनता हूँ आजकल ए दिल बता। मारो जितना मारना है मार लो, वैसे भी मैं इसी लायक हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत गलत था, मुझे जितना मारना है मार सकती हो, पर प्लीज मुझसे नाराज मत हो। प्लीज मुझे क्यों बचाया, क्यों बचाया मुझे? हाँ, तुम्हारे धोखे से तो मैं आधी वैसे ही बढ़ चुकी थी, और तुम मुझे बचा कर क्या साबित करना चाहते हो? कि तुम्हें मेरी फिक्र है? अगर होती ना तो इतना बड़ा धोखा नहीं देते तुम। गधा बेवकूफ, तुम्हारे जितना दिमाग नहीं है मेरे पास। नहीं समझ पाया अपनी फीलिंग। अब जब तुम मेरे पास नहीं थी तब मुझे समझ में आया कि आई एम वेरी लव विद यू। ओ रियली? तो फिर सुनो, आई डोंट लव यू। सब सही कहते हैं कि किस्मत कभी भी बदल नहीं सकती। मुझे यहाँ से चलना चाहिए, इनको जो करना है करने देते हैं। खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास के साथ। एंड ते मेरी बात ध्यान से सुनना।
वहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जर्मन चाहे जितना ही पावरफुल है, वहाँ की आवाम सिर्फ तुम्हारी बात मानेगी, क्योंकि वहाँ के लोग क्वीन को ज्यादा मानते हैं, किंग से ज्यादा। थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। फिर उसके बाद पे अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है और वो एक फेरी वर्ल्ड में पहुँच जाती है। जैसे ही वो फेरी वर्ल्ड में पहुँचती है, वैसे उसके कपड़े चेंज हो जाते हैं। बाय, अपना ध्यान।
जवाब चाहिए कि तुम जब जानती थी कि मेरे मॉम डैड अभी जिंदा हैं और मैं चाहूँ तो उन्हें वापस पा सकती हूँ, लेकिन तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? और वो तुम्हारे पास है ना? एक मिनट, ये सब तुम्हें कहाँ से पता चला और किसने बताया तुम्हें? मुझे किसने बताया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने जो पूछा वो इम्पोर्टेंट है, तो मेरा जवाब दो। ओके फाइन, सुनना है? सुनो। ठीक है, मैं बताती हूँ। मुझे फेरी वर्ल्ड से निकाल दिया गया था क्योंकि मैं एक बुरी फेरी थी इसीलिए, और अगर मुझे वहाँ से निकाला गया और उन लोगों ने मेरी बहुत बेइज्जती की जिससे मुझे बहुत गुस्सा आया और मुझे एक काम सौंपा गया इस लॉकेट में कैद होके तुम्हें रास्ता बताने का, तो फिर मैंने क्या किया? मैंने तुम्हें सब गलत गलत रास्ते बताए, तभी तो तुम उस यंजन की जाल में फंस गई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो बुरा है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें उसे एक्सेप्ट करने को कहा था इसीलिए ताकि तुम्हें बुरा लगे और तुम टूट जाओ। उसके बाद ऐसे ही मैं तुम्हें गलत गलत रास्ते बताती गई, तुम धीरे धीरे टूटने लगी और फिर देखो अब तुम्हारा क्या हाल हो गया है। ओ अच्छा हुआ तुमने मुझे सारा सच बता दिया, बिकॉज अब मुझे तुम्हें मारने में या फिर तुम्हारे उस लॉकेट को तबाह करने में कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। क्या? नहीं नहीं प्लीज 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 मेरे उस लॉकेट को कुछ मत करना, क्योंकि आखिरी होप है वो मेरी, अगर वो खत्म हो गया तो मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगी। नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत करना। मैं ऐसा ही करूंगी, इस लॉकेट के टूटने के बाद तुम तो टूट जाओगी, लेकिन हाँ मेरे मॉम डैड मुझे वापस मिल जाएंगे। फिर उसके बाद ते उस लॉकेट को तोड़ देती है और वो स्विटी वहाँ से गायब हो जाती है और उसके अंदर से उसके मॉम डैड बाहर आ जाते हैं। चलो मैं भी खुश हूँ इस शादी से। चलो मैंने सारी अरेंजमेंट करवा दी है, अब जल्दी
जिमिन प्लीज अब मान भी जाओ, देखो शुगर तुमसे कितना प्यार करता है। प्लीज एक बार अगर सच्चा प्यार चला गया ना तो वो दोबारा नहीं आएगा, तो प्लीज एक्सेप्ट कर लो। सीखो कुछ अपनी बेस्ट फ्रेंड से, समझी? तुम्हारे दिमाग में हमेशा भूसा भरा रहता है और मैं तुम्हें जो समझाता हूँ तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। अपनी फ्रेंड की बात समझ लो। आई थिंक मैं कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रही हूँ। तुम लोग सही कह रहे हो, ठीक है मैं ही शादी करूंगी, लेकिन हाँ मैं एक शर्त पे करूंगी, यहाँ पर मुझे कोई ह्यूमन वाले खाने से रोकेगा नहीं। हाँ ऑफ कोर्स बेटा, तुम्हें जो खाना है तुम वो खाना, यहाँ पर कोई तुम्हारे खाने पे रोक टोक नहीं लगाएगा। ई कितनी भुक्कड़ हो तुम, शादी वाले दिन भी तुम खाने की बात कर रही हो। भाई भाभी को क्यों टीज कर रहे हो, और वैसे भी एक बार मान गई है, अगर आपकी गुस्सा हुई तो मानेंगी नहीं, तो अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, वैसे भी बहुत लेट हो रहा है। यू आर राइट जंकू बेटा, तो फिर ठीक है मैं ते और जिमिन को रेडी कर देती हूँ। उसके बाद सब लोग रेडी होते हैं और थोड़ी देर बाद सब लोग रेडी होकर बाहर आते हैं। बट डोंट वरी, मैं जल्द ही कोई नई स्टोरी लेकर आऊंगी। इनफैक्ट जब मैजिकल की बारी आएगी तो